वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ आंचल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ Amazon वेडिंग लुक बुक। एंड सभी जो लुक्स मैं आपसे शेयर करूँगी ये समर वेडिंग के लिए एकदम परफेक्ट हैं। तो मैंने कुछ Amazon से आइटम्स पिक किए हैं एंड उनको यूज़ करके मैंने कुछ लुक्स क्रिएट किए हैं। अगर आपको इनमें से कोई लुक पसंद आता है, कोई क्लोदिंग आइटम पसंद आता है, तो आप Amazon से इनको परचेज कर सकते हैं। सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्राइजेस के साथ एंड साइजेस के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये लुकबुक कम हॉल वीडियो भी होने वाला है क्योंकि मैं साथ साथ ना आपसे रिव्यू भी शेयर करती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने पिक किया है एक हल्दी आउटफिट, ये था जो कंफर्टेबल रहे समर्स में, गर्मी में जो मैं कंफर्टेबली पहन सकूं। तो मैंने ये स्कर्ट एंड टॉप पिक किया है कॉटन फैब्रिक में। दिस इज़ द स्कर्ट, येलो कलर में है एंड इस पर पूरी में फॉइल प्रिंट है आगे पीछे सब जगह पर। एंड ऊपर ये इस तरह से इसमें ये बेल्ट की डिटेलिंग है और साइड में इसमें जिप क्लोजर है। हाई वेस्टेड लुक में है ये और इसकी जो लेंथ है ना ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। इट्स काइंड ऑफ स्कर्ट, ये पूरा लहंगा टाइप का नहीं है, स्कर्ट की तरह है तो थोड़ा एंकल तक ये आएगा। अगर आपकी हाइट कम है तो आपको ये लहंगे की तरह भी वर्क कर सकती है। तो पूरी जो ये स्कर्ट का जो फैब्रिक है ये पूरा कॉटन में है, अंदर इसमें लाइनिंग दी हुई है, सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक में इसमें लाइनिंग है वाइट कलर में। इसके साथ आता है ये टॉप, सेम फैब्रिक सेम कलर में, तो पूरा ये कॉर्ड सेट है। सो दिस इज़ द टॉप इन हॉल्टर नेक डिज़ाइन, पीछे इसमें बटन क्लोजर है एंड स्लीवलेस है, हॉल्टर नेक डिज़ाइन में है एंड इसमें कोई स्लीव्स वगैरह नहीं आती हैं इसके साथ, तो ये इसी तरह से दिखने वाला है। पीछे इसमें ये कट भी है, इस बटन की डिटेलिंग के साथ एक छोटा सा कट है और नीचे वाले पार्ट में ना इसमें ये इलास्टिक दी हुई है, तो इसका फिट बहुत अच्छा आता है एंड काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। बिल्कुल भी गर्मी इसमें लगने वाली नहीं है क्योंकि एकदम सॉफ्ट कॉटन मटेरियल है, एकदम बहुत प्यारा फैब्रिक है, बहुत हल्का फैब्रिक है, बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। कितनी भी गर्मी हो उसको आप बहुत आराम से पहन सकते हैं एंड स्कर्ट है क्योंकि तो स्कर्ट तो बहुत ज़्यादा हवादार रहती है तो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। तो हल्दी फंक्शन के लिए मैंने ये कॉर्ड सेट पिक किया है। इसमें एक और कलर था पिंक कलर में भी ये सेट आपको मिल जाएगा। मैंने इसको स्टाइल किया है इस हल्दी फ्लावर ज्वेलरी के साथ, मैंने पहले कभी ये ज्वेलरी ट्राई नहीं की है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस ज्वेलरी। मैंने इसके साथ नेक पीस नहीं पहना है, इसके साथ नेक पीस भी आया था बट मैंने सिर्फ इसके इयररिंग्स एंड मांगटीका इसके साथ पेयर किया है क्योंकि जो इसका नेक डिज़ाइन है ना वो कहीं ना कहीं उसका लुक जो है वो उस नेक पीस की वजह से छिप रहा था, तो मैंने इसको ऐसे ही सिंपल रखा। आप कोई भी ज्वेलरी दूसरी भी पेयर कर सकते हैं, अगर आप फ्लावर ज्वेलरी नहीं पहनना चाहते हैं तो आप कोई दूसरी कुंदन ज्वेलरी भी इसके साथ पेयर कर सकते हैं। सिर्फ स्टेटमेंट इयररिंग्स आप पहन सकते हैं, आप इयररिंग्स विद मांगटीका भी पेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लुक इज़ अ मेहंदी लुक और संगीत लुक, तो उसके लिए मैंने पिक किया है ये मजेंटा कलर में टॉप, मजेंटा पिंक कलर में ये टॉप मैंने पिक किया है। दिस इज़ इन कॉटन सिल्क फैब्रिक एंड अगेन इसमें पूरे फैब्रिक पर प्रिंट है ऑल ओवर और नीचे इस तरह की डिटेलिंग है। दिस इज़ इन कोटा डोरिया फैब्रिक, कोटा फैब्रिक जो होता है ना कॉटन वाला, वो स्टिफ वाला फैब्रिक, वो वाले फैब्रिक में इसमें नीचे डिटेलिंग है। पेपलम लुक स्टाइल में है ये एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। राउंड नेक में है, स्लीवलेस है, इसके साथ कोई स्लीव्स नहीं आती हैं सो इसके साथ आप स्लीव्स अटैच नहीं कर सकते हैं। तो इसमें मेरा साइज़ है S एंड मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। इस टॉप को आप किसी भी यू नो स्कर्ट के साथ, शरारा पैंट्स के साथ या फिर धोती पैंट्स के साथ पैरअप करके मिक्स एंड मैच करके एक आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैंने पेयर किया है एक बनारसी ब्रोकेट स्कर्ट के साथ, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम Amazon, ग्रीन कलर में है ये, पूरा जरी वर्क है इस पूरी स्कर्ट में एंड इसकी जो लेंथ है वो अच्छी खासी है, प्रॉपर स्कर्ट की तरह नीचे तक आती है कि लेंथ तो नहीं है, बिल्कुल फ्लोर लेंथ तो नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना इस तरह की स्कर्ट्स ऊंची रह जाती हैं, जितनी भी ये रेडीमेड स्कर्ट्स होती हैं वो थोड़ी थोड़ी मुझे ऊंची रह जाती हैं अगर मैं हील्स पहनती हूँ। अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसको लहंगे की तरह भी स्टाइल कर सकते हैं ऐसी स्कर्ट्स को, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे। तो मैंने इसको इस टॉप के साथ पैक किया एक मेहंदी लुक के लिए, संगीत फंक्शन के लिए भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि मुझे ना ऐसा हल्का फुल्का लुक अच्छा लगता है संगीत फंक्शन के लिए, जहाँ पर आपको ना कुछ दुपट्टा वगैरह कैरी नहीं करना पड़ता, कोई हैवी ज्वेलरी नहीं होती, आप बिंदास डांस कर सकते हैं। सो मैंने इसको सिर्फ सिंपल सी ज्वेलरी के साथ पैक किया है, अभी मैंने ये इयररिंग्स पहने हुए हैं। आप इसको किसी, अगर आप हैवी ज्वेलरी पहनना चाहते हैं तो वो आप पहन सकते हैं, कोई मांगटीका भी ऐड कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से लुक को थोड़ा सा और हैवी दिखा सकते हैं ज्वेलरी के थ्रू, अदरवाइज आप थोड़ी लाइट ज्वेलरी पहनिए इसके साथ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ये स्कर्ट भी काफ़ी वर्सेटाइल पीस है, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे Amazon पे एंड द फैब्रिक इज़ अमेजिंग। आप किसी कुर्ती के साथ भी इसको पैरअप कर सकते हैं, किसी ब्लाउज एंड दुपट्टा के साथ भी पैरअप करके इसको लहंगे वाला लुक दे सकते हैं। अगर आपकी हाइट कम है ना तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। मेरी हाइट है 5'6" तो मुझे थोड़ी सी ऊंची रह जाती हैं ऐसी स्कर्ट्स, अदरवाइज अगर आप टॉल हैं तो आप इसको क्रॉप टॉप के साथ, ऐसे पेपलम टॉप के साथ एज अ स्कर्ट पहन सकते हैं, कुर्ती के साथ पेयर कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट है शादी वाला लुक। शादी वाले लुक के लिए मैंने पिक किया है एक लहंगा अमेजोन से। सो अमेजोन पे बहुत सारे लहंगे अच्छे अच्छे आपको मिल जाएंगे, कम प्राइस में भी, ज़्यादा प्राइस में। सो मैंने 2000 के आसपास का लहंगा लिया, 2100 का है एक्चुअली ये लहंगा। सो दिस इज़ इन अ ब्लैक कलर, दिस इज़ द लहंगा, ब्लैक कलर में है, फ्लोरल डिजिटल प्रिंट है पूरे लहंगे पर, एंड दिस इज इन फैब्रिक ऑर्गेन्जा। पूरे लहंगे में सेम ये वाला प्रिंट है, फ्लोरल डिजिटल प्रिंट है, और नीचे इसमें ये सीक्वेंस लेस लगी हुई, एंड इसका जो फ्लेयर है, इसका जो घेरा है ना, वो काफ़ी अच्छा है, एंड ये सेमी स्टिच फॉर्म में आपको मिलेगा, इस तरह से है। आप इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग स्टिच करवा सकते हैं। अंदर इसमें लाइनिंग दी हुई है, दिस इज़ द लाइनिंग वाला पार्ट, काफ़ी सॉफ्ट लाइनिंग है, एंड जो इसमें नीचे ये जो पार्ट है ना, इसमें बकरम लगी हुई है, जो इसका नीचे वाला पार्ट है उसमें इतनी चौड़ी बकरम लगी हुई है, इसको अच्छा सा ना एक स्टिफनेस ऐड करने के लिए, एक अच्छा सा यू नो लहंगे को स्टिच कराएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा स्टिच होकर, एक अच्छा खासा फ्लेयर आपको मिल जाएगा, थोड़ी सी स्टिफनेस और थोड़ा सा फूला फूला सा लुक मिलेगा पूरे लहंगे को, तो ये सिल करना बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने ट्राई ऑन वाले पार्ट में आपको उसको दिखाती हूँ कि कैसा ये लगता है। मैंने इसको स्टाइल किया है ब्लैक ब्लाउज के साथ, इसके अंदर भी ब्लाउज का फैब्रिक आता है इसके साथ अटैच होकर, आप इसको अपने हिसाब से स्टिच करा सकते हैं, पूरा फैब्रिक मिलता है ब्लाउज के लिए, एंड ब्लाउज के नेक में ये डिटेलिंग है, ये पीछे वाला पार्ट है, ये आगे वाला पार्ट है, तो आप अपने हिसाब से अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप स्टिच करवा सकते हैं। एंड इसके साथ है ये दुपट्टा, सेम प्रिंट में सेम फ्लोरल डिज़ाइन है, एंड सेम सीक्वेंस लेस इसमें लगी हुई है, चारों तरफ इसमें लेस लगी हुई है। आप चाहें तो इसमें लटकन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई लटकन नहीं आई है। दुपट्टे की लेंथ काफ़ी अच्छी है, आई थिंक 2.5-2.5 मीटर की लेंथ का ये दुपट्टा होगा, पूरा अच्छे से ना मैं इसको स्टाइल कर पा रही हूँ अपने लहंगे के साथ। मेरी हाइट 5'6" है एज यू ऑल नो, तो मेरे हिसाब से इसकी हाइट बिल्कुल ठीक है, लेंथ बहुत अच्छी है दुपट्टे की, एंड मुझे जो इस तरह के लंबे दुपट्टे होते हैं ना लहंगों के साथ, वो बहुत अच्छे लगते हैं, तभी मुझे लहंगा अच्छा लगता है। अगर दुपट्टा शॉर्ट रह जाता है ना, तो फिर वो लहंगा मेरे को इतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि पूरा जो लुक है ना वो ख़राब दिखता है फिर। सो दुपट्टे की लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। सो यार, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मैंने इसके साथ थोड़ी सी ज्वेलरी पेयर अप की है, एंड मैं हाईली रिकमेंड करूँगी 2000 में, लाइक 2100 में बहुत अच्छी डील में ये लहंगा है। अब आते हैं रिसेप्शन लुक पे। तो रिसेप्शन के लिए मैंने एक साड़ी पिक की है, मैं बहुत टाइम से ना ऑर्गेन्जा फैब्रिक की साड़ी ढूंढ रही थी, क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, समर्स में भी काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता है, तो समर वेडिंग के लिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ऑर्गेन्जा साड़ी पहन सकते हैं। ऑर्गेन्जा साड़ी में मैं ढूंढ रही थी कुछ एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी, क्योंकि डिजिटल प्रिंट वाली साड़ी तो आपको ऑनलाइन बहुत मिल जाएंगी, बट मुझे चाहिए थी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी। फाइनली आई गॉट वन ऑन अमेजोन, एंड इन माई फेवरेट कलर, ब्यूटिफुल रेड, टमेटो रेड कलर है, बहुत अच्छा प्यारा रेड कलर है, जिसमें सेम कलर की एम्ब्रॉयडरी होती है, तो पूरी रेड है ये साड़ी, एंड इसमें नीचे ये थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है इसके नीचे वाले पार्ट में, एंड बीच बीच में भी इसमें ये एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव्स दिए हुए हैं। सो यस, दिस इज़ द साड़ी, बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे ऐसी नेट फैब्रिक की साड़ीज़ और ऑर्गेन्जा फैब्रिक की साड़ीज़, एम्ब्रॉयडरी वाली शेयर फैब्रिक्स की जो साड़ीज़ होती हैं ना, थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी वाली, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली समर्स के लिए। तो समर्स में आप ऐसी साड़ीज़ अपने लिए पिक कर सकते हैं, ये साड़ी बहुत प्यारी है, एंड मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इस प्राइस में ये बहुत ही अमेजिंग साड़ी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी, एंड इस प्राइस में आपको ऐसी साड़ी नहीं मिलेगी ऑनलाइन, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक ना थोड़ा थोड़ा फूला फूला लगता है, तो ऑर्गेन्जा साड़ीज़ ना हमेशा सेम कलर के ब्लाउज़ के साथ ही पेयर करना चाहिए। तो मैंने इसके साथ अपना रेड कलर का ही क्रॉप टॉप पहना है, बट इसके साथ जो ब्लाउज़ आता है वो भी रेड कलर में ही है। सो ऐसी साड़ी आप अपने ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी ना काफ़ी स्लिम एंड टॉल दिखती है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक थोड़ा सा फूला फूला लुक दे सकता है, बट अगर आप इस तरह से स्टाइलिंग करेंगे ना, तो आप बिल्कुल भी मोटे नहीं लगेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कॉमेंट्स आते हैं मेरे चैनल पर कि मैं थोड़ी सी हैवियर साइड पर हूँ, तो क्या मैं ऑर्गेन्जा साड़ी पहन सकती हूँ, क्या अच्छी लगेगी। ऑर्गेन्जा साड़ी आप पहनिए, लेकिन इस तरह से पहनिए जिसमें सेम कलर का ब्लाउज़ हो, जैसे कि ये साड़ी है, इसमें सेम कलर का ब्लाउज़ है, एंड काफ़ी अच्छा लगता है, स्मार्ट लगता है मोनोक्रोम लुक। सो इसके ब्लाउज़ के लिए ना दो पीसेज मिले हैं, सो दोनों पीसेज में सेम ही इस तरह का एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, इस तरह से नेक डिज़ाइन है बना हुआ, और एक स्लीव का डिज़ाइन है, ऐसे ही दूसरे वाले फैब्रिक में भी नेक डिज़ाइन है और स्लीव डिज़ाइन है, तो इस तरह से इसका फैब्रिक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्टिच करवा सकते हैं। अच्छा खासा मटेरियल दिया हुआ है, अच्छा ब्लाउज इसमें से निकल सकता है, थोड़ी थोड़ी स्लीव्स भी इसमें निकल जाएंगे, आई थिंक यहाँ तक की स्लीव्स तो इसमें पक्का निकल जाएंगी। सो यार, दिस इज़ द साड़ी, एंड मुझे बहुत प्यारी लगी ये साड़ी, और मैंने इसको स्टाइल किया है चोकर नेक पीस के साथ, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स।
ये था मेरा आज का क्विक समर वेडिंग लुकबुक वीडियो। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कौन सा वाला लुक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मेरा फेवरेट था साड़ी, ऑफ कोर्स मुझे साड़ी पहनना पसंद है तो साड़ी वाला लुक मेरा फेवरेट था। मुझे बहुत पसंद आई अपनी ये रेड ऑर्गेंजा साड़ी। सो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सा लुक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड अगर अच्छी लगी है ये वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड और भी अपडेट्स के लिए, और भी फैशन टिप्स के लिए, और भी अच्छे अच्छे पिक्चर्स के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर भी। मेरा आईडी है myolivetran। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।